बुलेटिन की। जबलपुर से एक खबर, जहां मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में अब अगले महीने यानी 27 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने आंकड़े पेश करने के लिए समय मांगा है। हाईकोर्ट ने बता दें, राज्य सरकार को आंकड़े पेश करने के लिए समय दिया है। ओबीसी आरक्षण मामले में सभी 55 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी विगत दिनों इस मामले की शीघ्र सुनवाई के निर्देश जारी कर चुका है। जबलपुर निवासी जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने अधिवक्ता आदित्य संघी की तरफ से पक्ष रखेंगे, बता दें। जबकि राज्य शासन की ओर से ओबीसी का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किए गए विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह पैरवी कर रहे हैं। याचिकाकर्ता राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने के खिलाफ है। उनका तर्क है कि ओबीसी को 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अवैध है। अब अगली सुनवाई इस मामले में 27 अप्रैल को होगी। लगभग 4 सप्ताह का अब इंतजार और करना होगा। हम रुक करेंगे इस खबर पर, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित सोनी का हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? बेशक दीपक, 4 सप्ताह का और समय मिला है। राज्य सरकार की तरफ से एक आवेदन दायर किया था, जिसमें आवेदन में राज्य सरकार ने ये कहा था कि हम पूरे डाटे के साथ जो है हाईकोर्ट के समक्ष पूरा डाटा रखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो डाटा जो है इकट्ठा नहीं हो पाया है। तो लगभग ये 4 हफ्ते का समय और मांगा है, 1 महीने का समय, इसको बोल सकते हैं कि 1 महीने का समय मांगा है। तो हाईकोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए 1 महीने का जो है समय बढ़ा दिया है। बीते दिनों जो है पुष्पेंद्र कौर जो आज जो पहले उप महाधिवक्ता हुआ करते रहे, लेकिन अब वो जो है जज हैं। उन्होंने पिछली बार जो है अपने आप को इस केस से अलग कर लिया था। उसके बाद एक नई बेंच का गठन किया रहा, जिस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद आज जो है सुनवाई होना था, लेकिन आज जो सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से समय मांगा गया था पूरे डाटे के साथ कोर्ट में पेश होने के लिए, तो आज कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए जो है 27 अप्रैल तक के लिए इस पूरे मामले को आगे बढ़ा दिया है। जी दीपक, चलिए आप बने रहें। अमित, एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे अगली खबर पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।